नमस्कार दोस्तों, हॉर्स रेसिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी अपने अपने स्थान पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अब इंडिया में सारी रेसेस शुरू होने जा रही है दोस्तों। कल बेंगलोर का फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। थोड़ा सोच समझ के खेलिएगा दोस्तों, क्योंकि बेंगलोर फर्स्ट डे पता नहीं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रेस कार्ड थोड़ा टिपिकल दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरी टिप्स थोड़ी हटके होती है दोस्तों। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, इससे पहले मैंने जो हैदराबाद की टिप्स दी थी वो तो आप लोगों को मालूम ही है। आउट ऑफ 8 हॉर्सेस 6 हॉर्सेस लगातार विन हुए दोस्तों, विन टिप्स दी थी मैंने। और सभी लोगों की डिमांड पे मैं अब सिंगल घोड़े देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल ड्रीम्स टू सक्सेस ओनली सक्सेस फॉर रेगुलर टिप्स। दोस्तों ये चैनल आपके लिए है और उम्मीद करता हूँ सभी इसमें अच्छी तरीके से पैसे कमाए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हॉर्स रेसिंग है, कभी कभी उल्टा सीधा हो भी जाता है, बट डोंट वरी, दूसरे दिन कवर हो जाएगा। बट कल बेंगलोर रेसेस है, थोड़ा सोच समझ के खेलेगा, जब प्रॉफिट हो जाए निकल जाएगा। और ध्यान दीजिए कि विन प्लेस में दूंगा, आप प्लेस जरूर खेलिए, अगर अच्छा भाव मिल जाए तो प्लेस पे खेलिए, प्लेस पे फोकस करिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल रेस टिप्स मैं आपको रेगुलर दे रहा हूँ, और मेरी इंटरनेशनल रेस टिप्स भी 80% पास हो रही है। और उम्मीद करता हूँ कि हैदराबाद में मेरी 100% टिप्स पास हो। तो आते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए आते हैं हैदराबाद की रेस टिप्स पे। कल बेंगलोर का फर्स्ट डे फर्स्ट टिप्स, कल बेंगलोर स्टार्ट हो रही है, मैसूर भी स्टार्ट हो रही है। मेरी वीडियो जा करके आप देखिए, सारी वीडियोज़ मैं मेरी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ दोस्तों। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारी वीडियोस देखिए कि हॉर्स कैसे निकालते हैं, वो भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो आते हैं रेस टिप्स पे ज़्यादा देर नहीं करते हुए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मेरी टिप्स थोड़ी अलग ही होती है, और मैं काफ़ी स्टडी करने के बाद टिप्स बनाता हूँ दोस्तों। तो आप लोगों का सहयोग मेरे साथ है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं दोस्तों, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं बेंगलोर की फर्स्ट रेस में। पहली रेस 1200 मीटर क्लास फिफ्थ की रेस है 1:30 बजे। तो क्लास फिफ्थ की रेस है दोस्तों, तो ये रेस तो थोड़ी छोटी है, बट इसमें कोई भी घोड़ा मार सकता है। बट जो मेरी चॉइस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पहले मैं तीन चार चॉइस देता था, बट आप लोगों का कहना है कि सिंगल चॉइस दीजिए, तो आज मैं सिंगल चॉइस ही दे रहा हूँ दोस्तों। फर्स्ट टेस्ट में हॉर्स नंबर 5 विन प्लेस खेली है दोस्तों, और सेकंड जो है नंबर 1 को प्लेस खेली है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों घोड़े बोर्ड पे होंगे दोस्तों। अब आते हैं सेकंड रेस दोस्तों। सेकंड रेस 1200 मीटर की है, क्लास 4th की रेस है, 2 बजे शुरू हो रही है दोस्तों। इसमें जो खेलना है आपको वो खेलना है नंबर 2 विन के लिए दोस्तों, विन के लिए दोस्तों, और नंबर 4 को प्लेस के लिए। ये दोनों ही बोर्ड पे रहने चाहिए। और थर्ड रेस 1200 मीटर 3 ईयर्स ओल्ड की है, 2:30 पे। इसमें बच्चे घोड़े बहुत भाग रहे हैं दोस्तों, फिर भी इसमें जो मेरी चॉइस है दोस्तों वो है नंबर 1 विन के लिए, और नंबर 4 एनालेक्ट प्लेस के लिए। तो दोस्तों ये दो घोड़े नंबर 4 PS चौहान की है, और नंबर 1 अक्षय कुमार, नंबर 1 विन के लिए और नंबर 4 प्लेस के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्लस में ही जाना, क्योंकि प्लेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना दोस्तों। जो मैं विन बोल रहा हूँ उसके प्लेस अगर अच्छी मिले तो प्लेस के लिए दोस्तों। रेस नंबर 4th में आते हैं दोस्तों, 1400 मीटर की है, ये भी 3 साल के बच्चों की रेस है, 3 बजे है दोस्तों। इसमें जो मुझे पसंद है दोस्तों वो है नंबर 8 स्टॉक ब्रिज विन के लिए, नीरज रावल चला रहे दोस्तों। और इसमें जो प्लेस के लिए घोड़ा मुझे पसंद है वो है नंबर 12 टेरिस्टा, इस पे S German बैठते हुए, इसकी प्लेस मिल जाए तो प्लेस के लिए। अब आते हैं रेस नंबर 5 1200 मीटर 3:30 पे है दोस्तों, और ये Division 1, ये भी 3 साल के बच्चों की रेस है दोस्तों। कल बेंगलोर थोड़ा उल्टा सीधा कर सकता है दोस्तों, तो
तो थोड़ा बच के और संभल के खेलिएगा, जहाँ प्रॉफिट हो जाए वहाँ से बाहर हो जाइए, क्योंकि रेस अभी रेगुलर रहेगी और हमारी टिप्स भी रेगुलर रहेगी। अगर किसी को पर्सनल टिप्स चाहिए कि सर दो तीन घोड़े दे दीजिए, तो वो मेरे नंबर पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उनको पर्सनल टिप्स दूंगा, दो तीन घोड़े ही दूंगा, उसे खेल लीजिए, 100% श्योर घोड़े दूंगा दोस्तों, ये मेरा वादा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चार्जेस लगेंगे, अगर आप तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो फ्री टिप्स के लिए। रेस नंबर 5 हॉर्स नंबर 9 विन के लिए और हॉर्स नंबर 1 प्लेस के लिए दोस्तों, ऑल अट्रैक्टिव PS चौहान का। अब आते हैं 6 रेस में दोस्तों। रेस नंबर 6 1400 मीटर की है, 4 बजे है, क्लास 1 की रेस है, इसमें सभी लोग 1 देते दोस्तों विन के लिए, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 को प्लेस के लिए मारुटानिया 5 को प्लेस के लिए दोस्तों, बेस्ट घोड़ा है ये, प्लेस पक्का आएगा। 1 का भरोसा नहीं है क्योंकि बेंगलोर फर्स्ट डे है दोस्तों, आपको मालूम है रेसेस रेगुलर चलती रहेगी, जैसे इंटरनेशनल रेस टिप में होता है कि 1 रुपये का घोड़ा भी लास्ट रेस में डुबा देता है दोस्तों, क्योंकि रेस क्लब को भी चलना है और अभी कोरोना का टाइम गया है, सभी को प्रॉफिट होना है, तो बहुत सोच समझ के रेस खेलिएगा। टिप्स तो मैं दे रहा हूँ 100%, क्योंकि मैं पूरी स्टडी के साथ आपको टिप्स दे रहा हूँ, बट आप अपने ध्यान से और आपको जो अच्छा लगे वो खेलिए, बट बहुत सोच समझ के खेलिए, पैसे को वेस्ट मत करिए। अब आते हैं 7th रेस 1400 मीटर 1400 मीटर की है दोस्तों, 2 की रेस है, 4:30 बजे, इसमें जो घोड़ा है दोस्तों वो है नंबर 5, इसको विन के लिए, विन प्लेस के लिए, और कोई घोड़ा ही नहीं दे रहा हूँ मैं, विन प्लेस के लिए 7th रेस में नंबर 5 विन प्लेस के लिए। 6th रेस में मैंने आपको बताया 5 को सिर्फ प्लेस के लिए, एक ही घोड़ा है 5, और 7th रेस में 5 विन प्लेस, और लास्ट रेस ऑफ द डे 1200 मीटर है दोस्तों, ये क्लास 4th की रेस है, 5 बजे शुरू है दोस्तों, कल बेंगलोर रेस है दोस्तों, और आपको मालूम है बेंगलोर भाव भी अच्छे देता है, प्लेस अच्छी मिले तो प्लेस लगा दीजिए, क्योंकि मेरे घोड़े थोड़े हटके होते हैं दोस्तों, बुरा लगे या अच्छा लगे, बट मैं बहुत स्टडी के बाद घोड़े देता हूँ। 6 को विन प्लेस के लिए दोस्तों, विन के लिए, और 11 को प्लेस के लिए, 11 को प्लेस के लिए, ओके दोस्तों। अब कुछ लोगों का कहना है कि ध्यान किस पे रखना है, क्या करना है, तो दोस्तों मैं आपको शुरू से बता देता हूँ किस किस के ध्यान रखना, आप किस किस घोड़े पे ध्यान रखना है, अगर आपको अच्छा लगे आपका मन पसंद करे तो खेलिए, क्योंकि मुझे वो घोड़े लग रहे हैं कि बोर्ड पे होने चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर अगर प्लेस किसी की भी अच्छी मिल जाए तो वो खेल लीजिए, उसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि रेस अब रेगुलर चलेगी, आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना चैनल जो है ना ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस, वो सभी लोगों के फ़ायदे के लिए है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो लोग 100% रेस के आदी हो चुके हैं और 100% रेस में ही पैसा कमाना चाहते हैं। तो पहली रेस में दोस्तों 1 नंबर को ध्यान में रखिएगा, कैपेबल को, और दूसरी रेस में दोस्तों ये सारे घोड़े बोर्ड पे हो सकते हैं दोस्तों, दूसरी रेस में आप एक घोड़ा है इसमें ऑर्लियंस, इसको ध्यान में रखिएगा, 8 नंबर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और तीसरी रेस, क्योंकि ये मेरी स्टडी बताती है, और तीसरी रेस नंबर 1 एंजेलिको, इसको भी ध्यान में रखिएगा, और चौथी रेस तुम्हारा भाई जो है ना दोस्तों, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता है,
और चौथी रेस नंबर 8 को ध्यान में रखिएगा, स्टॉक ब्रिज। और पांचवी रेस अगर भाव अच्छे मिले नंबर 9 ब्रूनहिल्ड, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आप पलटी भी करना चाहें तो पलटी कर सकते हैं, ये सारे घोड़े बोर्ड पे होंगे। और छठी रेस नंबर 1 वो तो सबको मालूम है, लेकिन नंबर 7 मैंने जो दिया है ना नंबर 5 उसको ध्यान में रखिएगा। नंबर 5 1 तो सभी देते हैं, मालसी पैसे को सभी देते हैं। और आते हैं नंबर 7 रेस पे, इस पे जिसको ध्यान रखना है आपको वो बताता हूँ आपको। 7 रेस पे एक घोड़ा है बहुत बेहतरीन, इसको ध्यान में रखना है, 2 नंबर को लेक ताओ, इस घोड़े को ध्यान में रखना, पीएस चौहान चला रहा है, प्लेस की भाव अच्छी मिले खेल लेना। और लास्ट रेस जो ध्यान में रखने के बता रहा हूँ मैं, लास्ट रेस नंबर 2 ओन लीगेसी, ये ध्यान में रखना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका कल का दिन बहुत शुभ हो, आने वाले दिनों में बहुत सारी रेसेस, बेंगलोर रेसेस, हैदराबाद रेसेस, मैसूर रेसेस, कलकत्ता रेसेस, चेन्नई रेसेस, मद्रास रेसेस, सारी रेसेस आएंगी और आपको 100% टिप्स मिलेगी, श्योर टिप्स मिलेगी। अगर आपको 100% जेन्युइन टिप्स चाहिए तो 2 और 3 ही घोड़े दूंगा रोज़ के, बट मेरे को कमेंट सेक्शन में करिए क्योंकि आजकल का टाइम बहुत ख़राब है दोस्तों।